फ्रेंड्स, इजी पैथोलॉजी लैब सॉफ्टवेयर में अगर टेस्ट प्राइसेस चेंज करनी हो तो हम कई तरीकों से कर सकते हैं। तो ये मेन पेज है, यहाँ से ऐड ऑर्डर्स से भी हम कर सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है मेन पेज पे, और ये जो थर्ड ऑप्शन है ऐड न्यू व्यू टेस्ट, इससे भी हम जो टेस्ट प्राइसेस हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो ऐड ऑर्डर से हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐड ऑर्डर्स के पेज पे हम आए, यहाँ एक डिपार्टमेंट्स का टैब है, उसके बाद प्रोफाइल्स का टैब है, इसके नीचे लिखा हुआ है रिफ्रेश प्रोफाइल लिस्ट, इस पे हम क्लिक करते हैं तो सारे प्रोफाइल जितने सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। तो इसमें अब देखें कि कोई भी प्रोफाइल का हमने रेट चेंज करना है तो हम जैसे ये यहाँ देखें कि लिवर फंक्शन टेस्ट आ रहा है तो इसको हमने सिलेक्ट किया, ये ब्लू हो गया, और नीचे है चेंज प्रोफाइल प्राइस परमानेंट कि हमेशा के लिए इस प्रोफाइल की प्राइस जो है कि हम चेंज कर दें। अब यहाँ इसकी प्राइस 1000 आ रही, फॉर एग्जांपल हम इसे 800 में परफॉर्म करते हैं तो हम 800 लिख के ओके कर देंगे। अब लिवर फंक्शन टेस्ट प्राइस चेंज फ्रॉम 1000 टू 800, ओके। अब यहाँ देखें कि ये प्राइस 800 हो गई है। अब इसमें सारे प्रोफाइल यहाँ मौजूद हैं, आप ये लिपिड प्रोफाइल को देख लें, इसको ये नीचे देखेंगे चेंज प्रोफाइल प्राइस परमानेंट, तो जो इसकी 1200 है हम इसकी 1000 कर देते हैं। आप इसकी प्राइस अपने जो प्राइस रखना चाह रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ से ही परमानेंट चेंज कर सकते हैं। अब उसके साथ ही आप देखें कि इसके ऊपर अगर राइट क्लिक कर दें तो उस प्रोफाइल के अंदर जो टेस्ट हैं वो आपने आपके सामने आ जाते हैं। तो जो पहले प्रोफाइल आरपी है इसको आप चेंज मत करें, जो सिंगल आरपी एस आरपी लिखा हुआ है ये सिंगल टेस्ट का रेट होता है कि अगर सिंगल को परफॉर्म करेंगे तो इसकी प्राइसेस क्या आएंगी। तो आप इसमें से फॉर एग्जांपल किसी भी टेस्ट का किसी प्रोफाइल में से रेट चेंज करना चाह रहे हैं तो अकेले टेस्ट का इधर से उसको सिलेक्ट करके ये नीचे आ जाता है चेंज टेस्ट प्राइस परमानेंट, इस पर क्लिक करेंगे और उसको चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर हम जो कोई भी प्रोफाइल इधर से सिलेक्ट करके या डिपार्टमेंट सिलेक्ट करके यहाँ से आके उसमें जो भी टेस्ट हैं उन टेस्ट की जो प्राइसेस हैं वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिपिड प्रोफाइल है, इसकी हम अगर प्रोफाइल की प्राइस चेंज करनी है तो इधर से सिलेक्ट करेंगे और चेंज प्रोफाइल पे करेंगे तो कर लेंगे। अगर इसके अंदर किसी टेस्ट की करनी है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अब ये देखें कि इसके अंदर टेस्ट आ गए हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी ये फर्स्ट टेस्ट की है लिपिड टोटल, इसकी प्राइस 200 इसके आगे आ रही है, अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो नीचे ये चेंज टेस्ट प्राइस परमानेंट, तो हम इधर इसकी प्राइस फॉर एग्जांपल 300 कर देते हैं और ओके कर देते हैं तो ये 200 से 300 हो गई। तो इस तरह सिंगल टेस्ट जो है किसी भी प्रोफाइल को सिलेक्ट करें जिसमें वो टेस्ट होगा उसके ऊपर राइट क्लिक करें और वो उस टेस्ट के अंदर ये साथ ही टैब है उसके टेस्ट आ जाएंगे। उसके टेस्ट जब आपके साथ आ जाते हैं तो आप उधर उसकी उसको सिलेक्ट करके उसकी ये सिंगल आरपी यानी कि अकेले का रेट जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आसानी तरीका है। और जो ऐड न्यू ऑर्डर्स जो इधर मेन पेज से फर्स्ट ऑप्शन है, इधर आके हम किसी भी जो डिपार्टमेंट को या किसी डिपार्टमेंट पे क्लिक कर राइट क्लिक करते हैं तो उसके प्रोफाइल आ जाते हैं। अगर किसी प्रोफाइल के ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जो टेस्ट हैं वो आ जाते हैं। अब किसी टेस्ट को सिलेक्ट करके उसके नीचे लिख हो जाता है चेंज टेस्ट प्राइस परमानेंट, तो उसको हम जितनी मर्जी प्राइस कर दें, ये एक दफ़ा आपने करनी है जब आप सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो बाद में आपकी वो प्राइसेस चलती रहती है। अब ये तो एक तरीका हो गया। अब ये आसान है, इधर से ही कर लें या ऐड न्यू व्यू टेस्ट पे आएं तो इधर आप जो हमारे पास ये पेज है यहाँ से आप कोई भी जो डिपार्टमेंट सिलेक्ट करें, इसमें जो है कि प्रोफाइल कोई भी सिलेक्ट करें और ये राइट साइड पे नीचे शो के नीचे टेस्ट कॉस्ट प्राइस एंड ऑर्डर विद प्रोफाइल ये ऑप्शन है,
अब यहाँ आ जाएं तो जिस प्रोफाइल को सिलेक्ट किया है उसमें आप ये नीचे ऑप्शन है कि चेंज डेटा, तो यहाँ हम सिंगल प्राइस, किसी भी एक टेस्ट की हमने प्राइस चेंज करनी है, उसके आगे उसकी कॉस्ट भी चेंज कर सकते हैं ताकि प्रॉफिट हम देख सकें, और जो उसकी प्राइस हम यहाँ से जितनी मर्जी टेस्ट की करके एंटर दबाएंगे, जब एंटर दबा चुके तो हम सेव रिकॉर्ड कर देंगे और जो डाटा अपडेट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से सिंगल टेस्ट की प्राइस चेंज कर सकते हैं। अगर पूरे प्रोफाइल की किसी की करनी है, जो भी प्रोफाइल आपने, उस प्रोफाइल पे आप जाएं और उस पूरे प्रोफाइल की प्राइस अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप पूरे प्रोफाइल की भी प्राइस यहां से चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल की प्राइस चेंज करने के लिए आप यहां जो भी प्रोफाइल सिलेक्ट करेंगे उसके आगे जो प्राइसेस आ जाती हैं ना, वो आप उसको उसके प्रोफाइल प्राइस, इन प्रोफाइल प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ जो उसमें आप उसको चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक प्रोफाइल सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स सिलेक्ट किया है। अब इस टोटल प्रोफाइल की प्राइस जो है ना, वो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं कि चेंज डाटा पे क्लिक करें, जितनी इस प्रोफाइल की प्राइस आपने रखनी है ना, फॉर एग्जाम्पल आप इसे 6500 में करते हैं तो आप इन प्रोफाइल प्राइस के नीचे 500 लिखें पहले टेस्ट में, और बाकियों के नीचे सारों के 0 0 लिख दें, क्योंकि इसमें टोटल जो टेस्ट होते हैं ना उनकी प्राइस जमा होकर लगती है। तो पहले की आप उतनी रख दें जितनी आपने टोटल इस प्रोफाइल की लेनी, बाकियों की 0 कर दें, वो सारों की प्लस होके वो उस प्रोफाइल को लग जाती है। तो इधर से सेव चेंजेस कर दें और वो प्रोफाइल भी सेव हो जाता है। तो प्रोफाइल उधर ऐड न्यू व्यू टेस्ट पे आ जाते हैं या इधर से आके आप कर लें, लेकिन ये प्राइसेस चेंज करना इंतहाई मामूली और आसान काम है कि आप इसको 10 मिनट लगा के सारी जो देखें ना कि ये ऐड न्यू पेज पे आप प्रोफाइल्स पे क्लिक करते हैं और रिफ्रेश प्रोफाइल लिस्ट करते हैं तो सारे प्रोफाइल यहाँ आ गए। यहाँ बैठ के 5 मिनट नहीं लगेंगे कि आप किसी भी प्रोफाइल को सिलेक्ट करते जाएं और नीचे से उसकी चेंज प्राइस पे क्लिक करें और जो आप उसको पूरे के पूरे प्रोफाइल की प्राइस, जैसे ये रिन्यूअल फंक्शन टेस्ट है, इसकी हमने प्राइस जो 1000 रखनी है तो 1000 करके इसको सेव कर दें। तो यहाँ से बहुत ऐड न्यू टेस्ट से बहुत आसान है, और इसके अंदर किसी टेस्ट की करनी है इसके ऊपर राइट क्लिक करें और उस टेस्ट को सिलेक्ट करें, जो ये सीरम क्रिएटिनिन को हमने सिलेक्ट किया, इसकी 300 आ रही है और इसके नीचे ये चेंज टेस्ट प्राइस, इसको हम आइंदा 500 में परफॉर्म करेंगे या आपकी लैब करती है तो 500 करें और ये टेस्ट की प्राइस चेंज होगी और ये परमानेंट हो गई है। अब दोबारा दोबारा ये वही प्राइसेस आएंगी। तो ये आसान सा तरीका है कि आप ऐड न्यू व्यू टेस्ट से प्रोफाइल लिस्ट को रिफ्रेश करके सारे प्रोफाइल की प्राइसेस चेंज कर दें, फिर जिस प्रोफाइल के अंदर जिस टेस्ट की करनी है उसको राइट क्लिक करें, या जब आप ऑर्डर कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उस वक्त आपको नजर आता है कि ये प्राइसेस मेरे लैब के हिसाब से नहीं है, तो आप उस पर क्लिक करके यहाँ से परमानेंट उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह ये 5 7 मिनट